राजेंद्र गौतम जी बुद्धिस्ट नहीं बनाएंगे, बुद्धू बनाएंगे, वो लोगों को बुद्धू बनाएंगे। चालाक बन रहे हैं, चतुर चलाल लोमड़ी बन रहे हैं कि मैं जो है कुछ हिस्सा मिल जाएगा, मुझे जो है वो जो है बिरयानी मिल जाएगा, मैं पत्तल चाटूंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं नेता बन जाऊंगा। तो वो अपने आप को बहुत चतुर चलाक बन रहे हैं और जनता को बुद्धू समझ करके बुद्धू बना रहे हैं। अब जनता को तय करना होगा कि हम इसके साथ चले या ना चले। आपने हमारे समाज को, दलितों को, शोषितों को, ओबीसी को और धर्म के साथियों को धोखा दिया है। जय भीम के नारा पे इन्होंने गद्दारी की है। कांग्रेस जय भीम, अरे ये तो खटखटा खटखटा, अरे मुसलमानों को मुसलमान तुम्हारा, मैं मुस्तकबिर हूं, मुसलमान की मंदिर नहीं, मुसलमान को ठेंगा, मुसलमान को ठेंगा, मुसलमानों के साथ दंगा और प्रसाद करा के लड़ाया और मंदिर मस्जिद करा, यही कांग्रेस ने किया। राजेंद्र गौतम को बड़ी बारीकी से जानता हूं, जब वो जो है 30,000 कोर्ट में वकील थे, वहां से वो क्या क्या कुछ किया, आम आदमी में गए, वहां भी उनकी दाल नहीं गली, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद में उन्होंने गौतम बुद्ध का दामन थामा, वो पे भी बेईमानी किया, अंबेडकर का दामन छोड़ा पकड़ा, वो भी बेईमानी किया। फिर ये BSP में ज्वाइन करने वाले थे, वहां भी इनकी दाल नहीं गली, तो इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, जबकि इनको पता है, अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस भीम का या गौतम बुद्ध का यह सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस दुश्मन में जाने का मतलब है कि आपका समाज का बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी गौतम जी ने अम्बेडकर भवन में, तो उनसे मंत्री पद छीन लिया था केजरीवाल ने। यदि यहाँ ऐसा बाबा साहब को लेकर कोई कार्यक्रम करते हैं कांग्रेस में रहकर, तो क्या यहाँ से भी निकाले जाएंगे? यहाँ से फिर BJP में जाएंगे, फिर RSS के चड्डी पहन कर करके वहाँ पत्तल बिछाएंगे, यही करेंगे। हमें इन पे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे गद्दार झूठे मकार लोगों की हमें बात नहीं करनी। राजकुमार आनंद चले गए हैं BJP में। राजकुमार आनंद पहले गए BSP में, फिर BSP में BJP में गए, तो BJP में क्योंकि BJP सरकार है, हमें मलाई मिल जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हमारी धन दौलत, हमारे जो तो चोरी डकैती करके BJP जाने वाले थे। हाँ, ये सब आज अगर BJP इनको बुलाए तो BJP, चूंकि जगह वहाँ पे बहुत कम है, तो लोग करें कि पहले कांग्रेस में जाऊँ, फिर मेरा नाम हो जाएगा, फिर कांग्रेस की तरफ से BJP में जाऊँगा, BJP वाला कांग्रेस, कांग्रेस से BJP। मैंने कहा ना कि तानसिंह और मानसिंह दो डाकू का गिरोह है और उस गिरोह में हम जनता को लूटा जा रहा है। राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम, ये दोनों ही पहले आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, ये कहते थे कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है BJP को, एक BJP में चला गया, एक कांग्रेस में चला गया, आखिर ये बात का विश्वास कौन करेगा फ्यूचर में? अब तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो सांपनाथ और नागनाथ कहा था वो मैं अपने लिए कहा था, तो एक सांपनाथ एक नागनाथ वो ही साबित हो गए। रह गया आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी में अब है कौन? सब चोर उचक्के हैं, सारे जो है आप जेल जा रहे हैं, सब पे जो है ED इनकम टैक्स है, पार्टी है कहाँ? ये बाबा साहब के नाम पे धंधा कर रहे हैं, जैसे BJP को हम कह रहे हैं, जैसे मोदी को कह रहे हैं कि आप जो है कॉरपोरेट से चंदा लेते हैं, धंधा करते हैं, सबका विकास और अपने दोस्तों का, सबका साथ और अपने दोस्तों का विकास करते हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो RSS, जो BJP कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है। इनको चंदा और धंधा चाहिए, इनको जो है बाबा अंबेडकर, गौतम बुद्ध और फूले और प्रियार, काशीराम और कर्पूरी ठाकुर और लोहिया और जयप्रकाश के नाम पे इनको जो है खाली सत्ता चाहिए। और ये तो गाली देते थे कांग्रेस भाजपा को, उनमें जा रहे हैं, ये तो वो लोग हैं। तो ये इनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? जो अपनी जमीर बेच दे वो मनुष्य कहाँ है? वो तो असुर हो गया, वो तो दानव हो गया। तो ये तो दानव असुर के कैटेगरी में आ गया। अम्बेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, वो तो कह रहे थे कि आप बुद्ध बनिए, कह रहे थे 10,00,000 लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे। क्या कांग्रेस में रहकर क्या बुद्धिस्ट बना पाएंगे लोगों को? अभी कई प्रोग्राम में खुद ही इन्होंने प्रतिज्ञा दिलवाई, खुद ही सबको दिलवाई और खुद जो है चले गए। तो इनकी ईमान और धर्म क्या? ये जो है राजेंद्र गौतम हटा देना चाहिए, इनको राजेंद्र चोर लिखना चाहिए। जो कांग्रेस का मैंने कहा कि एक मानसिंह एक तानसिंह,
दो डाकू है, तो एक डाकू के ग्रुप में से निकल के दूसरे ग्रुप में गए, फिर तीसरे में गए, चोर बीच वाले हैं, वो चाहते हैं मैं भी डाकू बन जाऊं ताकि मैं भी देश को लूटूं, मैं भी भ्रष्टाचार करूं। तो ये इनकी नीति है कि भ्रष्टाचार करूं, इनकी नीति ये नहीं है कि समाज की उन्नति हो, समाज को आगे बढ़ाया जाए। जब यहाँ पर समाज की बात आई, जब ईवीएम मशीन की बात आई, तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का मैं वकील हूँ, मैं फलना का हूँ, मैं ढिकना का हूँ, नतीजा क्या हुआ, ये लालची लोग टिकट मांगने के लिए भागा। एक डॉक्टर दुआ जो कहा कि मैं ईवीएम मशीन हटाने की तैयार हूं, जब तक नहीं हटेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तैयारी किया हुआ था, फिर भी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि मैं आदर्श और उसूल पे चलने वाला हूं। मेरी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं एक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और उस नाते मैं कभी कहीं नहीं गया, कभी इनसे नहीं किया, लोग मुझे अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा तुम सब चोर हो, तुम्हारी सोच और हमारी सोच में आसमान जमीन का फर्क है, अगर हमारे समाज को नहीं कुछ मिलता है तो हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो क्या कांग्रेस में राजेंद्रपाल गौतम जी का ये मिशन जय भीम चल पाएगा, जबकि बाबा साहब ने कांग्रेस को लात मार दी थी? भाई मेरे, अभी वो कांग्रेस का एक पिद्दी का सोरबा बने हैं, एक सदस्यता ली है, कल को दिल्ली में चुनाव होगा, हो सकता है एमएलए का टिकट मिल जाएगा, वो बोस नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कि वहाँ से कहेंगे सब कांग्रेसी बुद्धिस्ट हो जाओ, पहले राजा तो बनो, पहले प्राइम मिनिस्टर तो बनो। तो वहाँ पे जो हमारा विरोधी रहा है, जो बाबा अम्बेडकर का विरोधी रहा है, हमारी प्रतिज्ञा का विरोधी रहा है, उसमें आप जा करके आप बदल दोगे, इसका मतलब ये है कि आप कांग्रेस के से, आप देश के कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनना चाहते, आप सपना वो देख रहे हैं। तो ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दें, इस तरह का जो है दिन में सपना देखना छोड़ दें, ये गलत है। हमारे समाज को आपने मैसेज गलत दिया, हमें ठगा है, हमें गलत दिग्भ्रमित किया है, हम आपके साथ नहीं हैं, समाज भी आपके साथ नहीं होगा, जो आपके साथ जा रहे हैं या जाएंगे वो सब अंधभक्त होंगे जो समझते नहीं हैं, या बुद्ध बद्धम को और या जय भीम को अंबेडकर को नहीं समझते, वही लोग आपके साथ देंगे, जय हो करेंगे, बाकी आपका विरोध होगा। तो ये एक वक्त है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। सवाल है कि जब तक हम गौतम बुद्ध के धम्म को नहीं समझेंगे, गौतम बुद्ध की जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, उनके जो स्थान है गौतम बुद्ध को हम डेवलप नहीं करेंगे, पूरा विदेश देश विदेश के लोग पर्यटक आते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसकी विकास नहीं करेंगे, तब तक ना हम अंबेडकर को बढ़ा सकते, ना अपने संस्थाओं के जो आरक्षण का मुद्दा है सबको बढ़ा सकते। इसलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध के स्थान को इतना सुंदर, इतना भविष्य, इतना भव्य कर दो कि पूरा भारत के लोग झुक जाए और पूरा दुनिया झुक जाए। राजा अशोक ने धम्म अपनाया था, आपके अंबेडकर ने धम्म अपनाया था, वो बच्चा एक बेटा धम्म का कहलाते हैं, गौतम बुद्ध का कहलाते हैं। आज बाप को लोग भूल गए हैं, बाप का इज्जत करना भूल गए हैं। आप जो है जय भीम कर रहे हो, आप आरक्षण की बात कर रहे हो, बाप की इज्जत करो। जिस दिन बाप का इज्जत करना लगोगे, जिस दिन उसकी विकास हो जाएगी, उस दिन अंबेडकर भी होगा और जय भीम भी होगा और आरक्षण भी होगा और सारे विकास और उन्नति भी होगा। तब ये धर्म और मर्म और वर्ण ये सब खत्म हो जाएगा, हम भारतीय होंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, हम मनुष्य हैं, मानवता है, और मानवता के आधार पर हम काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जो कोई भी धर्म मना रहा है वो मनाए, हम उनको आस्था करते हैं, हम नास्तिक हैं लेकिन फिर भी हम आपको प्यार करते हैं। और आप एक धर्म मना करके लोगों को तोड़ते हैं, लोगों को फोड़ते हैं और बंटवारा करते हैं, उनको किनारा करते हैं। इससे बचने के लिए हमें जो लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग चला रहे हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, हमें जय और वीरो चाहिए, हमें शोले फिल्म की तरह जो आप बब्बर सिंह आता है, गब्बर सिंह आता है, गांव को सबको दिग्भ्रमित करके ले जाता है, हमें उसे बचाने के लिए अब जय वीरो चाहिए, यानी सच्चा हमारा जो हीरो चाहिए, जो हमारे समाज को, हमारे मूल निवासियों को आगे ले जाए। और ये सब गौतम बुद्ध के नाम पे, गौतम बुद्ध के आस्था को लेकर के, उनकी विकास को लेकर के, मानवता को आगे रख करके हम इसको सफल कर सकते हैं।
बाबा अंबेडकर को यही कांग्रेस ने कहा तुम क्षुद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तब वो दुखी हो करके जो है बौद्ध धर्म अपना। क्या नेताओं ने इतिहास नहीं पढ़ा है? राजपाल गौतम और राजकुमार आनंद जैसे जो नेता हैं दलितों के, पढ़े भाई, LLB हैं, राजकुमार गौतम जी LLB हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं तीसरी कोर्ट में, और उनको MLA रहे हैं, उनको इसीलिए कि बुद्ध का नाम ले रहे हो, हर आप जो है जय भीम का नाम ले हो, खूब इज्जत दिया गया। आप मुसलमान को कहते हैं, ना मुसलमान के लिए कांग्रेस हुआ, ना ये दलितों का है, ना मूल निवासियों का है, ये सिर्फ सत्ता और कुर्सी का पना पाने के लिए है। तब इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि ये इटली की लड़की ये काम नहीं करेगी, लेकिन हमने उनको स्वीकार किया कि हमारे देश की बहू है, बहू का हमें इज्जत करना चाहिए, लेकिन इनकी सोच विदेशी सोच है, इनकी सोच देश के हित में नहीं है, इनकी सोच दलित और शोषित का नहीं है, इनकी सोच मूल निवासियों के लिए नहीं है। सिर्फ ये लोग भी जैसे ब्राह्मणवाद BJP कर रही है, RSS कर रही है, इनका भी, इनका तो वो तो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मणवाद को साथ देता हूँ, मुसलमान को साथ नहीं दूंगा, वो खुला दुकान खोल दिया। और आपने माल कुछ रखा और गोडाउन में पीछे माल कुछ रखा, आप खुल करके नहीं बल्कि आप छुप छुपा करके धंधा करते रहे, और आप कह रहे हैं मोहब्बत का दुकान। अरे शर्म करो, अपना इतिहास देखो, तुमने क्या किया है। एक जनता हम बेवकूफ़ हम हैं कि हम एक कुछ बोला, हम उसके भेड़ियों की तरह हम उसके पीछे पीछे चल लेते हैं, हमारा विवेक ही नहीं है, क्योंकि हम जो गुलाम हैं, हम मानसिक गुलाम हैं, हम कमज़ोर हैं, हम डरे हुए हैं। तो ये सीधे साधी भोली भाली जनता हर बार ठगी जाती है। लेकिन अब डॉक्टर दुआ ने 37 साल से मानवाधिकार के नाम पर इनको जागृत किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक तक, अब जनता जाग गई है, अब आंदोलन, जन आंदोलन, और ये नहीं चलेगा, ये इस तरह का चेहरे बदलेंगे, अब पहचाने जा रहे हैं, ये सड़कों पे आएंगे, मार खाएंगे, जूते खाएंगे, और फिर मानवता की जीत होगी।